हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एसके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत का 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन ने हमेशा क्या करा है, ये ध्यान से देखिएगा कि एक घन के का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे करा है एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब हमेशा घन का आयतन पूछेगा तो आयतन में होता है क्यूब, और सतह जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल में होता है क्या मेरा स्क्वायर। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमको पूछ रहा है क्या उसकी सतह में क्या क्षेत्रफल होगा। तो सतह का मतलब हो गया कि जो भी परसेंटेज का मान होगा उसका वैल्यू निकाल करके हमको दो बार लिखना है। अगर आयतन कहेगा तो उसको तीन बार लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम 50% का वृद्धि का मान क्या होता है। तो 50% का वृद्धि का मान हो जाएगा कितना, तो 1/2 क्या होगा, 2 होगा। तो 50% का वैल्यू हो गया मेरा कितना, 1/2। इससे हम तुलना कर सकते हैं क्या, सीपी एक एसपी। अब ये कहिएगा कि ये तो घन का क्षेत्र सवाल है, यहाँ लाभ हानि कैसे बनता है। तो याद रखिएगा, ये तो आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो ये इस पे भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 50% का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 1/2 हो गया, इसका मान हो गया मेरा 2। अब वृद्धि कर रहा है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया क्या, 3। अब लास्ट में कहता है उसकी सतह में क्या क्षेत्रफल होगा, तो सतह का क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर का मान होगा। स्क्वायर जब भी होगा ये संख्या डबल बार आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब ये दोनों संख्या को गुणा कर दीजिए, 2 × 2 हो जाएगा 4, 3 × 3 हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 4 में खरीदे और 9 रुपया में बेच दिए तो क्या हो गया, यहाँ पे आपका कितना हो गया, तो 5 का वृद्धि हो गया। तो आप कह सकते हैं कि वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो 5 × 100 बटे आपका क्या होगा, 4 करेंगे, ये 4 से कटेगा 25 बार में, ये हो जाएगा आपका कितना, 5 × 25, ये हो जाएगा आपका 125, यानी 125% का क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% बढ़ाई गई, वृद्धि की गई, तदनुसार उस प्रकार बने आयतन का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन बना है हम उसी प्रकार इसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले कहता है 30% का वृद्धि किया, उसके बाद 20% का वो वृद्धि किया, तो 30% का वृद्धि करेंगे तो 30% का वैल्यू हमेशा क्या होगा, तो 3/10 हो जाएगा। अब 30% का वैल्यू मेरा 3/10 हो गया और 20% का वैल्यू 1/2 कितना हो जाएगा, 5 होगा। इन दोनों से वैल्यू निकाल सकते हैं, एक सीपी एक एसपी, ये हो गया 10। दोनों में क्या कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है, ये 10 में 3 जोड़ेंगे ये होगा 13, अब ये हो गया 5, 5 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 6। अब दोनों गुणा कर देंगे ये बन जाएगा 10 × 5 करेंगे ये होगा 50, और 13 × 6 करेंगे ये बन जाएगा क्या, 78 बन जाएगा। अब 78 बन गया, आप यहाँ कह सकते हैं कि खरीदे हम 50 में बेचे कितना में, 78 में, तो कितना का वृद्धि हो गया, यहाँ वृद्धि हमको कितना हो गया, तो ये दोनों का अंतर हो गया कितना, तो 28 रुपया का अंतर हो गया। तो वृद्धि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर ये दोनों का अंतर मेरा कितना हो जाएगा, 28। तो 28 × 100 कितना हो जाएगा, 50। तो नीचे क्या देंगे, 50 ये कट जाएगा दो बार में, तो 28 × 2 कितना हो जाएगा, 56% का क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, वृत्त की त्रिज्या है और क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। तो याद रखिए 50% का वैल्यू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो 50% का वृद्धि का मान हो जाएगा 1/2 होगा। इससे निकाल लीजिए सीपी और एसपी, आराम से जो पीछे वाला क्वेश्चन बना से उसी प्रकार, एक सीपी एक एसपी हो गया, ये हो गया 2, इसमें जोड़ देंगे कितना होगा, 3। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब क्या, इसको डबल बार हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ये होगा 2 और 3, ये दोनों गुना करेंगे तो 4 होगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ कह सकते हैं क्या कि 4 में खरीदे 9 में बेच दिए तो कितना का वृद्धि हो गया, तो डायरेक्ट वृद्धि प्रतिशत बना दीजिए, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा दोनों संख्या का अंतर, तो दोनों संख्या का अंतर कितना होगा, 5 × 100 हो जाएगा क्या, 4, 4 से कट जाएगा 25 बार में, आप 25 × 5 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 125% उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं,
क्वेश्चन सीरीज क्या है, कहता है यदि एक आयत की लंबाई में 12% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा या कमी होगा वो पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 12%, तो 12% का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, तो 12% का वैल्यू हो जाएगा 3/25 हो जाएगा। 12% का वैल्यू 3/25 होगा, कैसे होगा वो भी देख लीजिएगा। 12% है, परसेंट खत्म करेंगे तो बटा हो जाएगा कितना 100, 4 से कटाएंगे 3 और 4 से कटा देंगे 25, ये हो गया 12% का वैल्यू कितना 3/25। उसके बाद कहता है 10% फिर वृद्धि कर दिया, तो दूसरा वृद्धि आपको कितना कर दिया 10% कर दिया, तो 10% का मान कितना होता है 1/10 होता है। अब आगे जो संख्या कह रहा है वो हमेशा पुट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका सीपी एक हो जाएगा एसपी, तो सीपी इसका हो गया 12% वृद्धि का, 25 में 3 जोड़ देंगे ये बन जाएगा आपका कितना 28, वो किसका वैल्यू हो गया 12% का वैल्यू का। अब 10% काटेंगे ये हो जाएगा आपका 10 में 1 जोड़ देंगे ये बन जाएगा आपका 11। अब ये संख्या को हम गुना करेंगे, ये गुना हो जाएगा 250, यानी 25 गुना 10 करेंगे 250, उसके बाद 28 गुना 11 करेंगे ये बन जाएगा आपका 308। अब यहाँ कह सकते हैं कि खरीदे 250 में, अब बेच दिए कितना में 308 में, अब ये दोनों का अंतर जो होगा वो क्या कहलाएगा वृद्धि कहलाएगा, ये दोनों का अंतर मेरा कितना हो जाएगा तो 58 का वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा क्या, वृद्धि गुना 100 बटे करेंगे तो वृद्धि मेरा कितना है 58 गुना 100 बटे प्रारंभिक मान कितना है 250, तो नीचे हो जाएगा कितना 250, 0 कटेगा 5 से कटा देंगे ये होगा 5 से कटेंगे 2। अब ये दोनों संख्या क्या होगा गुना होगा, तो 58 गुना 2 करेंगे 8 गुना 16 5 10 11 यानी 116 बटे आ जाएगा कितना 5, इसको पॉइंट में तोड़ देंगे तो कटाने के बाद ये निकल जाएगा मेरा क्या कि 23.2% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी होगा। अब हमेशा याद रखिएगा जो वृत्त का त्रिज्या है या वृत्त का व्यास है या वृत्त का परिधि, ये सब का मान हमेशा इस रूप में जब बनाते हैं तो सब का मान हमेशा समान लेके ही चलते हैं। या तो अगर हम कह देगा कभी कभी सवाल में क्या कि उसके व्यास में 10% कमी है या 5% कमी है, तो वो हमेशा व्यास में कमी करके बनाएंगे तो भी बनेगा, या डायरेक्ट हम व्यास को त्रिज्या मान के बनाएंगे तो भी उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देख लिया कहता है कि उसकी वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया गया, तो हम परिधि लेके भी चल सकते हैं या इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो परिधि में कितना परसेंट का कम किया, तो 50% का कम कर दिया, इसका मतलब 50% का वैल्यू जो होगा 1/2 कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 50% का वैल्यू हो गया 1/2। अब यहाँ कह दिया कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा या कमी होगा, यहाँ कह दिया कि कितना परसेंट का कमी होगा, तो चलिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है डबल, और जैसे आयत कह देगा आयतन कहेगा तो आयतन का मतलब हो जाएगा या तो हो सकता है घन का आयतन होगा या घन का आयतन होगा, तो उसमें हमेशा क्या होगा 3 बार होगा क्यों हो जाएगा। तो चलिए इससे हम क्या कहते हैं सीपी और एसपी, कहता है उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि 2 बार उसका खंड होगा, तो 2 बार खंड होगा कि हो गया 2 और 2 में से एक जाएगा तो 1 होगा, ये पहला बार हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा था वृद्धि नहीं कर रहा था, वहां पे कमी कर रहा था, तो हमेशा कमी हो गया, फिर दूसरा बार भी होगा 2 यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा 4, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब बताइए 4 में खरीदे 1 रुपया में बेच दिए तो 3 रुपया क्या होगा, उसको कमी हो गया, तो किसमें उसके क्षेत्रफल में कमी हो गया। तो याद रख सकते हैं हम क्या क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत अगर निकालेंगे तो डायरेक्ट होगा दोनों का अंतर कितना होगा 3 गुना 100 बटे क्या प्रारंभिक मान क्या है मेरा 4, या जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ये 4 से कटेगा कितना बार में 25 बार में, 25 गुना 3 कर देंगे कितना होगा 75% का उसको क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना होगा कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है,
तो हमेशा याद रखिएगा घन का परिक्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो याद रखिए यहां जब 6 गुना भुजा स्क्वायर किसका हो गया, घन का परिक्षेत्रफल हो गया। तो जैसे स्क्वायर आएगा इसका मतलब 50% का वैल्यू को हमेशा क्या करेंगे, दो पार्ट के रूप में उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये 6 जो है ये 6 से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम ये देखते हैं हम क्या कह रहा है सवाल। सवाल में कह रहा है 50% बढ़ा दिया। चलिए 50% अगर वृद्धि करते हैं तो 50% वृद्धि का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 हो गया 50% का वृद्धि का मान। और कहता है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर जैसे हमेशा आ जाएगा तो संख्या को डबल बार लिखना है। पहला पॉइंट हो गया CP, दूसरा पॉइंट हो गया SP, तो पहले हो जाएगा मेरा कितना 2। अब यहाँ पे वृद्धि कर रहा है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है तो क्षेत्रफल क्या होता है उसका स्क्वायर होता है। तो दो बार इसको ले लीजिए, फिर हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 3। अब गुना करेंगे 2 × 2 ये 4, 3 × 3 9। अब 4 में खरीदे 9 में बेच दिए, इसका मतलब 5 रुपया क्या हो गया वृद्धि हो गया। किसमें, तो कहता है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ तो यहाँ पे लिख सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो दोनों का अंतर हो गया मेरा कितना 5 × 100 बढ़ जाएगा कितना 4, 4 से कटा देंगे 25, ये बन जाएगा 5 × 25, ये बन जाएगा 125%। उसका क्या होता है नंबर 40 क्या कर रहा है कि एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया है, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो वही हो गया जिसे पृष्ठ क्षेत्रफल देगा तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 50% वृद्धि कर दिया तो पीछे वाला जो क्वेश्चन बना था सेम वही क्वेश्चन ये भी है, वहां पे कह दिया कि संपूर्ण यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ कह दिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमेशा याद रखिएगा सब में वही वैल्यू बन जाएगा, या 50% का वृद्धि का मान ले लेंगे तो 50% वृद्धि का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इससे हम सीपी निकाल सकते हैं और एसपी निकालेंगे। 50% का वैल्यू हो गया 1/2, वृद्धि का रहा है तो 2 हो गया उसका पहला पॉइंट हो गया 2। अब 2 में जोड़ देंगे ये हो गया 3। अब पता है संपूर्ण क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब भी आएगा तो हमेशा याद रखिएगा संख्या डबल लिखा जाएगा। जटनी क्षेत्रफल का उच्चारण हो जाए तो याद रखिएगा जो भी संख्या एक होगा वो डबल करके उसको हमको लिखना पड़ेगा। ये फिर 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 में जोड़ देंगे ये बन जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या गुना करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा मेरा कितना 4 और 3 × 3 हो जाएगा 9। अब ये दोनों संख्या का अंतर कर दीजिए आपका वृद्धि निकल जाएगा, ये दोनों संख्या का अंतर कीजिएगा तो 5 का क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो हमेशा उसके पृष्ठ में वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा कितना, अंतर हो गया कितना 5 × 100 / 4, 4 से कटा देंगे ये होगा 25, अब 25 × 5 कर देंगे तो 125% उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।